हेलो फ्रेंड, फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए कलर के साथ। तो स्वागत है आपका जुगार पेंटर आर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा क्रीम कलर कितनी आसानी से बनता है और कैसे बनता है। मैं ज़्यादा वीडियो में टाइम नहीं लेता हूं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुँच जाए। तो वीडियो मेरी एक मिनट या डेढ़ मिनट या दो मिनट की रहती है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचता हूँ। जो पेंटर भाई नए हैं मेरे पास, मैं उनको कलर बनाना सिखाता हूँ और जो कलर बनाना जानते हैं उनको भी मैं सिखाता हूँ, क्योंकि हर आदमी को कलर बनाना नहीं आती। तो दोस्तों, ये मैंने ले लिया है सादा पेंट डिस्टेम्पर का, जो मैं इसमें लौटने वाला हूँ। ऐसे करके ये मैंने लौट दिया है इसके अंदर। देख लीजिए आप, ये आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद माल है, लौट दिया। ये मेरे पास है यूनिटेंट का स्टैंडर, यूनिटेंट का स्टैंडर है मेरे पास, जिसका ये मिलता है मटीले पीले के नाम से। तो 200 ग्राम का है। मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगा, बनाऊंगा क्रीम कलर। डार्क कैसे बनता है और लाइट कैसे बनता है, वो आप सब आपको बताने वाला हूँ। तो सुन लें आप, कलर का नाम क्या है, यूनिटेंट ये कंपनी है और मटीला पीले कलर के नाम से मिलता है। मटीला पीला कहोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तो मैं इसमें डालने वाला हूँ अभी थोड़ा सा माल, जो ये बन जाएगा ऑफ वाइट। फिर आपको बना कर दिखाऊँगा मैं इसको डार्क, एकदम डार्क भी बना कर दिखाऊँगा और लाइट भी बना दूँगा। ये मैंने देखो इसमें डाली एकदम छः बूंदे डालने बाद में इसको आप ऐसे करके हेप देंगे तो ये बन जाएगा क्रीम कलर, बिल्कुल क्रीम कलर बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया मेरा क्रीम कलर। तो ये कलर मैं आपको दिखा दूं, ये कलर है क्रीम, ये बहुत ही बढ़िया वाला, जो सूखने के बाद थोड़ा लाइट हो जाएगा तो देखेगा आपको ये ऑफ वाइट, मतलब ऑफ वाइट कलर दिखने वाला है। तो ये बन गया लाइट कलर, अभी आपको तेज दिख रहा होगा, मगर दीवार पे जब लगाएंगे और जब सूखेगा तो ये कलर आएगा ऑफ वाइट। तो मैं आपको इसको तेज़ करके और दिखा रहा हूँ कि तेज़ करने के बाद में आपको कैसा कलर लगेगा। तो इसमें 6 बूंदें मैंने डाली थी, लगभग इसमें 6 से 7 बूंदें और डालने वाला हूँ मैं, ताकि हमारा कलर ये डार्क हो जाए। ये देखो, अब देखिए कलर आप, तो कलर पहले वाला भी दिखता होगा आपको सब साइडों में, और जो अब है तेज वो भी दिखता होगा आपको। तो देख लीजिए कितना तेज बन रहा है ये। देखिए कलर बनाना बहुत सिंपल सा है, आपको स्टैंडर का नाम याद होना चाहिए कि कौन सा कलर कितना डालना है, कौन सा डालना है, कैसे डालना है। तो मैंने मैजेंटा कलर भी कल बनाकर दिखाया था, एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि केसरिया कलर कैसे बनाया आपने, तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी नहीं। अगर देखी नहीं तो आप जाकर पूरी वीडियो देखो। केसरिया कलर बनता है ऑरेंज स्टैनर से। पहले ऑरेंज स्टैनर ले लें, वाइट माल ले लें, उसमें ऑरेंज स्टैनर डाल लें थोड़ा थोड़ा करके, जितना डार्क चाहिए उसको रोक दें, लाइट चाहिए तो ना डालें। तो तेज़ी कलर चलता है केसरिया। तो पूरी शीशी 200 ग्राम की डाल दें, समथिंग 5 लीटर की बाल्टी में, 10 लीटर की बाल्टी में 400 ग्राम और 20 लीटर की बाल्टी में 800 ग्राम या 1 लीटर पूरा। ये 200 ग्राम की 4 डालेंगे एक बाल्टी में 20 लीटर की, तो बढ़िया कलर बन जाएगा। और 10 लीटर की बाल्टी है आपकी केसरिया कलर की, तो ये 2 शीशी पड़ेंगी। और मटीरियल पीले 20 लीटर की बाल्टी में ये पूरी 1 पड़ेगी तो डार्क बनेगा, और इससे छोटी वाली पड़ेगी 100 ग्राम की तो 100 ग्राम पड़ेगा। तो दोनों मैंने आपको बना के दिखा दिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।